नमस्कार। आज मैं आपको करुणा रेखी के होसना सिंबल के बारे में बताऊंगी। इसका प्रयोग नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए और उसको रिलीज करने के लिए होता है। इसको आपको अपने शरीर पे नहीं बनाना होता। अब हम देख लेते हैं कि होसना सिंबल बनता कैसे। ऐसे हम बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करके यूं यूं और ऊपर डिजाइन की तरह। देखिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया ट्रायंगल बना के, इसे हम ऊपर ले गए। अब ऐसा ही हमने इधर नीचे भी बना, ठीक है। यहाँ से हमने बनाया, इस लाइन को पूरा यहाँ तक ले गए इसके साथ, फिर इस लाइन को पूरा इसके साथ साथ लेकर के आए सीधे, और फिर इसे ऐसे ही हमने नीचे लेकर के जाना है यूं, जैसे हम वहाँ गए थे और यूं बना लिया। जब आप एक दो बारी बनाएंगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। सेम ही बनाना है आपने, जैसे इसकी लाइन थोड़ी अभी छोटी बनी है, जितना जैसा हमने ऊपर बनाया वैसे ही नीचे आता। ये बनेगा हमारा होसना सिंबल। ये नॉर्मली कहाँ यूज़ होता था, पुराने ज़माने में लोग अपने दरवाजे के बाहर नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए लगा देते थे। नेगेटिविटीज़ क्या होती है पहले आप ये समझिए। नेगेटिविटीज़ बहुत सारे रूप में होती हैं। लोगों की जो हम कहते हैं कभी नज़र होती है, अरे वाह इसका मकान तो अच्छा है, ये तो अच्छा है, ये भी नेगेटिविटी है। गलत सोच, दुख, परेशानी, बीमारियाँ सब नेगेटिविटीज़ है। ये हमें उन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको लग रहा है नेगेटिविटी आ रही है तो आप इसे दीवारों पे, दरवाजे पे बना सकते हैं रेगुलर। अगर आपको लग रहा है कि कोई नेगेटिविटी आ गई है, आप परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आपके काम नहीं बन रहे, रुक रहे हैं, तो अपने घर में, अपने घर की दीवारों पे, दरवाजे पे आप इस सिंबल को बना सकते हैं, जिससे वो नेगेटिविटीज भी निकलेंगी और आपको एक प्रोटेक्शन भी फील होगी नेगेटिविटीज से। अब क्या है, जैसे अगर आपका कोई मकान बन रहा है, ज़मीन से जुड़ी हुई एनर्जी के साथ ये जुड़ा हुआ होता है और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है, तो वहाँ आप अपने घर पे जाकर भी दीवारों पे, दरवाजे पे ये सिंबल्स बना सकते हैं उस जगह पे, ताकि वो रुकावट नहीं आए। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन बना लिया और वो वर्क करेगा, आपको जब भी आप वहाँ जाएंगे रेगुलर आपको वो सिंबल बनाना पड़ेगा। और आप चीप ऑल से भी उस चीज़ को हील कर सकते हैं, जो भी नेगेटिविटीज आ रही है वो हट जाएं और मेरा जो काम है वो रुके नहीं। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए करुणा रेखी के सिंबल्स आप लोग मास्टर लेवल में यूज़ कर सकते हैं। जिनकी भी मास्टर लेवल में अटूनमेंट हुई है कि वो करुणा रेखी के सिंबल्स को ले सकते हैं, वही उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप श्योर कर लीजिए कि आपके जो ग्रैंड मास्टर हैं उन्होंने जब आपकी अटूनमेंट करी है तो ऐसी करी हो कि आप करुणा रेखी के सिंबल्स को ले सकें। मेरी तो जब अटूनमेंट हुई थी तो ऐसे ही हुई थी, और मैं अपने स्टूडेंट्स की भी ऐसी अटूनमेंट करती हूँ जहाँ वो करुणा रेखी के सिंबल्स को ले सकते हैं। अगर आप उसको ले सकते हैं, आपकी अटूनमेंट हुई है, तभी इन सिंबल्स को आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जो भी आप सिंबल यूज़ करते हैं करुणा रेखी के साथ में, आप उसे रेखी के सिंबल ज़रूर यूज़ करें, धाइके मुँह चौकुरे सेह के। अब अगर इसको दीवारों में बनाना है तो आप चौकुरे को साथ में ज़रूर इसके इस्तेमाल करें, ताकि वो प्रोटेक्शन के साथ वो रेखी की एनर्जी भी साथ में फ्लो होती रहे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, जब भी आप रेखी के किसी भी सिंबल को यूज़ कर रहे हैं, करुणा रेखी के यूज़ कर रहे हैं, आपकी अपनी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी कोई भी सिंबल आपके बहुत अच्छे तरीके से, आपकी हीलिंग अच्छे तरीके से काम करेगी। आपकी 7 चक्र हीलिंग डेली होनी चाहिए, आपका एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए कि आपकी मेडिटेशन ठीक हो रही है डेली, आपकी कोई और इस तरीके की नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आ रही। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे फिर देखिए ये सिंबल्स, ये सारी चीज़ें आपको कितना बेनिफिट देती है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। नमस्कार।